बद्रीनाथ ने उसे अश्वस्त करते हुए कहा। इस प्रकार रोशन अश्वस्त होकर यात्रा पर चला गया, लेकिन बाद में बद्रीनाथ की नियत खबर खराब हो गई और उसने उन अश्वियों को डालकर लेने का फैसला कर लिया। एक वर्ष बाद रोशन तीर्थ यात्रा से लौटा और बद्रीनाथ के पास जाकर अपनी अश्वियों मांगी, किंतु बद्रीनाथ साफ मुकर गया। उसने रोशन को पहुंचाने से भी इनकार कर दिया। रोशन ने काफी मिन्नतें की, किंतु बद्रीनाथ नहीं माना और रोशन को बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन मन मारकर रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई उसका मित्र ही लूट ले गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, किंतु सच्चाई उसके सामने थी। उसने निश्चय किया कि वह बद्रीनाथ को सबक सिखाकर रहेगा। वह सीधा दरबार में गया और बादशाह अकबर से उसकी शिकायत कर दी। बादशाह अकबर ने बद्रीनाथ को दरबार में बुलवाया और जब उससे पूछताछ की गई तो वह साफ मुकर गया कि रोशन ने उसे अक्षया दी थी। रोशन इसे मामले में न तो कोई गवाह पेश कर सका और न ही सबूत। बादशाह अकबर ने फैसले के लिए बीरबल को नियुक्त कर दिया। बीरबल ने दोनों से पुनः पूछताछ की, लेकिन बद्रीनाथ अपनी बात पर अटल रहा कि वो उसकी उसने अक्षया नहीं दी है। क्यों रोशन, जब तुम्हें बद्रीनाथ को अक्षया दी थी तब वहाँ कोई गवाह था? बीरबल ने पूछा। हुजूर, गवाह तो कोई नहीं था, लेकिन आम के पेड़ के नीचे मैंने बद्रीनाथ को अक्षया दी थी। रोशन ने जवाब दिया। तब तो आम का पेड़ गवाह हुआ न। जाओ आम के पेड़ से जाकर कहो कि दरबार में आकर गवाही दे। अगर न माने तो उससे मिन्नतें करना, तब भी न माने तो राजा द्वारा कटवा देने की धमकी देना, जो बीरबल ने कहा। रोशन मायूस होकर चला गया। पेड़ भी भला कहीं गवाही दे सकता है? बद्रीनाथ दरबार में ही बैठा था और बीरबल भी वहां था। कुछ देर बाद बीरबल ने बद्रीनाथ से पूछा, रोशन अब तक उस वृक्ष के पास पहुंच चुका होगा? बहुत देर हो चुकी है। नहीं हुजूर, अभी नहीं पहुंचा होगा। वह वृक्ष यहाँ से दूर है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी साफ नहीं है। वह बुजुर्ग है, इसलिए उसे तो और देर लगेगी, बद्रीनाथ ने जवाब दिया। बीरबल कुछ न बोलकर रोशन का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद रोशन दरबार में लौटा और बोला, हुजूर मैंने पेड़ से कहा, बहुत कहा, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। हुजूर अब मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, पेड़ यहाँ आया था और गवाही भी दे गया। अब भी तुम्हारी पक्ष में पेड़ का गवाही दे गया। मैं तो यही था, मैंने तो नहीं देखा, बद्रीनाथ ने आश्वस्त करते हुए पूछा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई बद्रीनाथ, जब मैंने कहा था कि रोशन पेड़ तक पहुँच गया होगा तब तुमने कहा था कि अभी नहीं पहुँचा होगा। इसका मतलब यह है कि तुम जानते थे कि वह कौन सा पेड़ है और कहाँ है, नहीं तो तुम स्वयं भी उस पेड़ के प्रति आश्चर्य प्रकट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सीधी तरह बता दो कि रोशन की अश्वया कहाँ है, वरना तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी। बद्रीनाथ डर गया और उसे स्वीकार कर लिया कि उसने मन में लालच आ गया था। उसने माफी मांगी और रोशन का धन वापस करने को राजी हो गया। बीरबल के अन्याय ने बादशाह अकबर अति प्रसन्न हुए। गुड, सब बच्चों ने स्टोरी सुनी? यस सर। अब जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उस क्वेश्चन में जिस भी बच्चे को आंसर पता होगा वो हैंड रेज करेगा और फिर मैं उससे पूछूंगा कि उसका आंसर क्या है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिल रही है?
हैंड रेज करना है, हैंड रेज, हैंड रेज करना है, जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा, लंबा हाँ हैंड रेज करो। हम बताओ सोनाक्षी। ओके और बताओ। ठीक है बताओ नैतिक। अगर लालच भी पढ़ोगे तो उल्टा ही होगा, तुम्हारे साथ हमेशा लालच करोगे तो उल्टा ही होगा कि तुम हमेशा हार मानोगे। ओके बताओ नैन्सी। लालच नहीं करना चाहिए। ओके चलो ये बताओ रोशन के मित्र का नाम क्या था, जिसको आता है वो हाथ खड़े करेगा। बताओ रोशन के मित्र का नाम क्या था। हाँ वेरी गुड, क्या था? दीनानाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन भर की कमाई में से अपने खर्चे के लिए कितनी असर रुपया रखी थी रोशन ने, बताओ। 90। वेरी गुड, कितनी? 1000। अब लास्ट क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने जो ये पूरा जो काम हुआ था, जो ये पूरे घोटाला हुआ था, इस घोटाले में किसको बनाया गया था कि भाई आप इसका फैसला करोगे, बताओ रितेश। किसको बोला था कि आप इसका फैसला करोगे, क्या किसको? बीरबल। वेरी गुड। और गवाही देने के लिए कौन हुआ था तैयार? क्या पेड़ गवाही दे सकता है? तो क्यों बनाया होगा पेड़ को गवाह? क्योंकि किसका सच? दीनानाथ का। हाँ कौन था दीनानाथ? रोशन का मित्र। वेरी गुड।